दिव्यापुर से सटे गांव ककराही के पथवरिया देवी माता मंदिर में सपोर्टिंग हैंड फाउंडेशन की तत्वाधान में उनके सचिव जो हैं आशीष मिश्रा जी के नेतृत्व में यहां पर गरीब तबके के बच्चों को पिछले 3 सालों से पढ़ाया जा रहा है। हम आशीष मिश्रा से जानना चाहेंगे कि ये काम ये कब से कर रहे हैं और कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं और उनके सपोर्टिंग हैंड फाउंडेशन की तरफ से उन बच्चों को क्या सुविधाएं दी जाती हैं। जी मिश्रा जी, इन बच्चों को आप कब से पढ़ा रहे हैं? पहले तो सभी को पढ़ाऊं और मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी से कि पिछले विगत 3 सालों से हम लोगों ने ये छोटी सी एक मुहिम स्टार्ट की है, जिसमें हमने पहले दिन से लगभग 10 से 20 बच्चों से स्टार्ट किया था। आज हमारे पास संख्या करीब 180 से 200 के करीब रहती है, बट कोरोना काल के थोड़े से चलते हुए ये अभी क्लासेस बंद चल रही थी, किंतु अभी फिर से गाइडलाइन आई तो फिर से हमने स्टार्ट किया हुआ है। और ये सभी बच्चे स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं और आप ऐसे समझिए कि इनके बच्चे जो इनके माता पिता हैं वो जोगी हैं, कपड़िया एक लोग होते हैं वो हैं, और मैं कहना नहीं चाहूँगा कंजर भी हैं वो लोग हैं, और ये स्वयं बच्चे जाते हैं कूड़ा बीनते हैं और कबाड़ा बीनते हैं जिसको बेच के ये अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे बच्चे हैं और इन्हीं को हमारी जो पूरी संस्था की टीममेट्स हैं वो पढ़ाते हैं। और आपको जान के ये खुशी होगी कि इसमें से 2 बच्चे पंडित दीनदयाल उपाध्याय इटावा में जो विद्यालय है उसमें सेलेक्टेड हैं और वो अपना अच्छे से आगे जा रहे हैं। और इसमें से भी कई बच्चे हैं जिनके अंदर किसी में गायन की बहुत अच्छी प्रतिभा है, किसी में नृत्य की बहुत अच्छी प्रतिभा है, कोई किसी की मैथ्स इतनी अच्छी है कि क्या मैं बताऊं कॉन्वेंट बच्चों की हो सकती है। तो बस हम क्या कर सकते हैं, हम एक कुम्हार हैं जो इस कच्ची मिट्टी को हम लोग अच्छे से अच्छी मूर्ति में ढालने का प्रयास कर रहे हैं, बस यही। अच्छा, आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो संसाधन जो है बच्चों से रिलेटेड जैसे कॉपी किताब पेंसिल्स वगैरह और क्या ऐसी सुविधाएं जो आप लोग मुहैया कराते हैं बच्चों को? बच्चे को सिर्फ यहाँ पे आना है, कॉपी हमारी, पेन पेंसिल किताबें जो भी है सब कुछ सामग्री, पठन सामग्री हमारी तरफ से रहती है। उनको घर के लिए भी कॉपियां दी जाती हैं कि आप इसमें अपना होमवर्क करके आइए, और बाकी यहाँ पे भी उनके क्लास वर्क के लिए कॉपियां अलग रहती हैं, उनकी बाकायदा अटेंडेंस लगाई जाती है। और हमारा ध्येय उनको शिक्षित करने से ज़्यादा उन्हें संस्कारित करने पर, शिक्षा तो हम उन्हें प्राइमरी विद्यालय, जो बच्चे विद्यालय छोड़ चुके हैं हम उन्हें विद्यालय में भी एडमिशन करवाते हैं जिससे उन्हें आगे चलने के लिए कम से कम एक डिग्री वगैरह कुछ भी उनके पास सर्टिफिकेट हो सके। बाकी हम लोग यहाँ पे इसको आप संस्कारशाला भी कह सकते हैं कि आपको बोलना कैसे, आपको अपने बड़ों का अभिवादन कैसे करना है, आपको अपनी बात कैसे रखनी है, आपको कहीं डरना नहीं है, ये सब चीज़ें यहाँ मोस्टली सिखाई जाती हैं। अच्छा, जैसे शहर वगैरह में बहुत से ऐसे प्रतिभाग वगैरह होते हैं, क्या वहाँ आपके बच्चे प्रतिभाग करते हैं? जी बिल्कुल, हमारे बच्चे अभी हमने पिछली बार ड्राइंग कॉम्पिटिशन करवाया था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक मिनट। जी बिल्कुल। तो आशीष मिश्रा जी जो है वो अभी ड्राइंग कंपटीशन दिखाएंगे जो बच्चों द्वारा प्रतिभा किया गया था। यहाँ के इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं और सपोर्टिंग हैंड फाउंडेशन की तरफ से इन बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिनकी संख्या करीब 180 से ज़्यादा है। और भी कई सारे यहाँ पे अध्यापक हैं जो बच्चों को पढ़ाने आते हैं, उनसे भी अभी रूबरू कराऊंगा। इससे पहले हम देखना चाहेंगे मिश्रा जी जो ड्राइंग कंपटीशन, देखिए ये क्लास, ये देखिए ये इसमें क्लास भी मेंशन है बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे हैं कक्षा 1 के, कक्षा 4 के, आप इनकी ड्राइंग की प्रतिभा देखिए। अभी तो कुछ हमने फ्रेम भी करवा के रखी हुई हैं, ये क्लास 1-2 इन सबकी हैं इनके अंदर। अभी मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा, ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को हम लोग टास्क देते हैं, वो इतना बखूबी निभाते हैं इसको, इतना सुंदर चित्र बनाते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ये देखिए इतने कलरफुल, और ये यहाँ पे अगर बात करें तो और भी कैसे कई ऐसे युवा हैं जो इन बच्चों को अपने व्यस्त समय में से निकाल कर पढ़ाने के लिए आते हैं। हमारे साथ ऐसे एक युवा हैं नमन पांडे जी, अमित पांडे जी सॉरी, इनसे जानना चाहेंगे कि ये अपना वक्त कैसे निकाल कर इन बच्चों के लिए पढ़ाने आते हैं। अमित जी आप क्या करते हैं? मैं से व्यापारी हूँ और हमारी नगर में एक दुकान है। फाउंडेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैं अपने जो हमारे अभी आशीष जी ने आपको बताया सारी चीज़ों को मैं कॉपी करूंगा ईमानदारी से। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं, कोरोना की जो गाइडलाइन है या जो कोरोना की वजह से स्थितियाँ बदली हुई हैं उसकी वजह से बच्चों की संख्या आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि 1/3 भी है। और जब फुल फेज में हमारी क्लासेस चला करती थी, जब हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो बच्चे यहाँ बहुत आते थे। और अभी स्थितियों में जो बदलाव हुआ है उसकी वजह से स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्ब है, बच्चे थोड़े से कम। कब से आप बच्चों को कब से पढ़ा रहे हैं? लास्ट 3 साल से ऊपर हो गए। तो मतलब कैसे आप अपने, आप व्यवसायी हैं और आप अपना व्यस्त टाइम उसे कैसे निकालते हैं बच्चों को? बहुत अच्छा सवाल किया आपने।
और सबसे पहली चीज एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी काम के लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होना बहुत आवश्यक है। आपके मन में अगर किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी संस्था के लिए अगर अच्छी भावना है तो आप कितने भी व्यस्त रहें अपना समय आप जरूर निकालते हैं। रहा सवाल मेरा, मैं अपने व्यस्ततम शेड्यूल में टाइम को मैनेज करता हूँ जैसा मुझे गाइडलाइन दी जाती है मेरे फाउंडेशन के द्वारा, जो हमारी पूरी टीम है, यूनिट है, पूरा वर्क टीम वर्क है, उसके हिसाब से जिसको जो भी काम दिया जाता है उस काम को करने के लिए मैं अपने बिजनेस का जो भी हमारा टाइमिंग है उसको मैं थोड़ा सा सेट करता हूँ, उसके बाद यहाँ सब। आप लोगों का लक्ष्य क्या है? जैसे यहाँ पे आप 180-200 के गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं तो पूरे जनपद औरैया में कैसे स्लम्स एरिया के बच्चे हैं जो गरीब हैं, तो आप लोगों का लक्ष्य क्या है कि आगे चल के आप क्या करना चाहते हैं? समाज के उपेक्षित बच्चे, आप देख रहे हैं ना, ये समाज के उपेक्षित बच्चे होते हैं जिनको कि लोग अपने पास बैठाना पसंद नहीं करते। हम उनको बुलाते हैं, आप समझिए हमारी भावना समझिए, हम उनको यहाँ बुलाते हैं और हमारा ये प्रयास रहता है कि उनको यहाँ अच्छे संस्कार दिए जाएँ, अच्छी शिक्षा दी जाए, उसके साथ अगर जीवन में वो आगे बढ़ रहे हैं तो इससे अच्छी बात हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और क्या होगा। बिल्कुल, और भी कई ऐसे युवा हैं जो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? आशुतोष मिश्रा। तो आशुतोष मिश्रा जी, आप क्या करते हैं? वैसे पैसे से मैं एक कॉन्ट्रेक्टर हूँ और ये आशीष भाई साहब हैं, मैं उनके साथ में विगत 3 वर्षों से उनके साथ में कार्य कर रहा हूँ। और हमारी संस्था सिर्फ यही नहीं करती है, और भी सारे काम हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले, 4-5 महीने पहले हमने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल डाला है सपोर्टिंग फाउंडेशन के नाम से, उसमें भी ये चीज़ आई है कि जो और जगह होता है कि जहाँ पे डॉक्टर अपनी मनमानी फीस लेते हैं, जो दवाइयाँ लेते हैं, उसमें हमने अपनी तरफ से डॉक्टर MBBS डॉक्टर हैं और BMS हैं, तो उनको यहाँ पे हमने बिठा के सिर्फ 50 रुपये फीस में, जो यहाँ के लोग जो हैं अपनी दवाइयाँ प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हमने एक ऐसी चैरिटेबल संस्था डाली है कि उसमें उनको 50 रुपये में डॉक्टर मिल जाए और उसके बाद उनको 50 रुपये में हम दवाई भी देते हैं अपनी तरफ से, जिससे और हम जो हमारे जितने भी सदस्य आप देख सकते हैं उन सबका यही है, सब अपनी जगह सेटल है, सब कुछ है, सबका यही मानना है कि कुछ भी करके हमें अपनी संस्था को आगे बढ़ाए, संस्था की जो हमारी सोच है उसको ऊपर ले जाके जितना हो सके हमारी संस्था से सबको लाभ दिलाएं और सबको सब कुछ, मतलब जो बच्चे आप देख रहे हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं कूड़ा बीनते हैं और जिनको स्कूल नहीं मिल पाता है, जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो हम सबका यही ध्येय है कि कैसे भी करके उनको अच्छी शिक्षा दिलाएं और जो ये भविष्य का नहीं ये सोच पा रहे वो हमारे भविष्य पर। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो सपोर्टिंग हैंड फाउंडेशन है उसमें जो जुड़े हुए लोग हैं उसमें ज़्यादातर युवा ही हैं, ऐसे एक और है जो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। आपका नाम क्या है? हिमांशु जी, आप क्या करते हैं? जी, मैं साइबर कैफे। बचे हुए समय में मैं छुट्टियों में अपना समय देता हूँ, जैसा कि अभी बताया आपको कि बच्चों को आप क्या पढ़ाते हैं? जी, आपको सब्जेक्ट का नहीं, मैं नैतिक शिक्षा और संस्कार के रूप में इनको 2-4 बातें भी बताता हूँ। हालांकि क्लासेस अभी बंद होने के कारण अभी से शुरू हुआ है, तो अभी शेड्यूल बन रहा है। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको अभी शायद ये नहीं पता चल रहा है कि जैसे कि अभी बताया आपको क्लिनिक अपना चल रहा है और क्लासेस चल रही हैं, आपको बीच में हम आपको बताया जब लॉकडाउन भी हुआ था तो हम लोगों की किचन भी चली, इसमें हम लोगों ने अपने जो श्रमिक थे, जो शरारती थे, उन लोगों को दोनों टाइम भोजन हम लोग पैकेट बना बना के बस स्टैंड हुआ, रेलवे स्टेशन और जो भी अपना टोल प्लाजा है वहाँ पे जो भी लोग आते थे उनको भोजन की व्यवस्था करा देते थे। बिल्कुल, सपोर्टिंग हैंड फाउंडेशन की तरफ से कोरोना काल में हमने देखा गया कि काफी कुछ किया गया, मास्क वितरण हो चाहे राशन वितरण हो और अन्य ऐसी सुविधाएं जो लोगों तक पहुंचाई गई, वो उसमें सपोर्टिंग हैंड के युवा जो है बढ़ चढ़ कर आगे आए। ऐसे एक और भी युवा हमारे साथ हैं जो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये करते क्या है। आप करते हैं? मैं एक प्रोफेशन से स्टूडेंट, मेरा नाम भरत अवस्थी है। मेरी तो ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मेडिकल लैब टेक्निक से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, प्रॉपर इन बच्चों को टाइम नहीं दे पाता हूँ, जब भी घंटे आता हूँ तो जरूर इनके साथ कुछ समय पास करना। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे जो युवा है वो अपना टाइम निकाल कर इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। ये यहाँ पर मौजूद जो बच्चे हैं उनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे कि देखते हैं कि जो इनके द्वारा बच्चों को साझा गया है उनमें कितना टैलेंट है। बेटा, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपको पहाड़ा कितने तक आता है? क्या 3 का पहाड़ा सुना?
तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और भी कई ऐसे सारे बच्चे हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। आप आ जाओ, देखते हैं कि बच्चों को जो इन लोगों ने साझा है इनमें कितना टैलेंट है। आपका नाम क्या बेटा? मोहित कुमार। ए बी सी डी आती आपको? सुनाइए एक बार। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई टी जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा तो एक बार बच्चों को दिखाएं कि ये जो सारे बच्चे हैं वो सारे गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनके द्वारा जैसा कि बताया गया कि ये कूड़ा करकट दिन भर अपनी दिनचर्या की जरूरतों को पूरा करते हैं। तो उन सारे बच्चों को ये लोग यहाँ मंदिर में इकट्ठा करते हैं और उन्हें शिक्षा देते हैं। और आशीष मिश्रा जी के द्वारा बताया गया कि इसमें से दो बच्चे जो हैं वो इटावा दीनदयाल में सेलेक्ट भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्टिंग हैंड फाउंडेशन की तरफ से बेहद ही अनोखी पहल है और उनका लक्ष्य भी है कि अभी ये यहाँ पे 100-200 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही जनपद के कई ऐसे स्थानों पर जहाँ पे गरीब तबके के बच्चे हैं वहाँ पर ये जाएंगे और वहाँ के बच्चों को शिक्षा देने का काम करेंगे। अरुण वाजपेयी के साथ आसिफ खान और अय्या।